नमस्कार समाचारों साथ हूँ छु हिना। आप जोई रह्या छो जीएसटीवी। सौ प्रथम बात करिए तो राज्य में आगामी समय में गर्मी प्रकोप में वधारो थशे। तापमान में 2-3 डिग्री वधारो थशे। साथोसाथ तारीख 13 अने 14 मार्च पछी फरीथी मावठानी आगाही करवामां आवी छे। दक्षिण गुजरात डांग वलसाड़ सूरत नवसारी में वरसाद पड़वानी शक्यता छे। साथे ज बनासकांठा साबरकांठा अने कच्छ में वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। वेस्टर्न डिस्टर्बंस सक्रिय थता वरसाद थवानी संभावना छे। तो बीजी तरफ कच्छ जिल्लाना केटलाक विस्तारों में हीटवेवनी पण आगाही करवामां आवी छे। गुरुवार अने शुक्रवार हीटवेवनी आगाही करवामां आवी छे। तो गुरुवार अमदावाद में 36 डिग्री तापमान रहेशे। शुक्रवार सिंचाई ने लईने पण हवामान विभाग एडवाइजरी जाहेर करशे। रात में अगले 4 दिन में बारिश होने का संभावना नहीं है, लेकिन 13 तारीख से फिर बारिश होने का संभावना है। 13 तारीख से 13-14 दिन का आगे भी बारिश लाइट रेन और थंडरस्टॉर्म होने का संभावना है। अभी फिलहाल अगले 4 दिन में बारिश का कोई संभावना नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने का संभावना है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। राजकोट में पीजीवीसीएल द्वारा अलग अलग विस्तारों में चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं हतुं। 42 टीमों द्वारा राजकोट तालुकाना नुरानीपरा रवेचीपरा खोखरदड़ गाम अने शीतळाधार सहित विस्तारों में चेकिंग कर्युं हतुं। चुस्त पोलीस बंदोबस्त वच्चे पीजीवीसीएल द्वारा कार्यवाही हाथ धरवामां आवी हती। साथोसाथ राजकोटना उदयनगर श्रीनाथजी सोसायटी कालावड़ रोड पर विष्णु विहार सरिता विहार पारिजात सहित विस्तारों में कार्यवाही करवामां आवी हती। अमदावादना सोला विस्तार में नजीवी बाबते एक युवक की हत्या करवामां आवी। जे अंगे युवकना पिताए सोला पोलीस स्टेशन में फरियाद करी हती। युवक ने छरीना घा मारवाथी गंभीर इजाग्रस्त थयो हतो, जेने सोला सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करायो हतो, जहां सारवार दरमियान युवक नु मौत निपजो हतो। फरियादना आधारे सोला पोलीसे हत्यानो गुनो नोंधी आरोपीनी धरपकड़ करी वधु पूछपरछ शुरू करी हती। जेमां जाणवा मळ्युं हतुं के मृतक युवक युवती साथे मित्रता राखी बातचीत करतो हतो, जेने लईने आरोपीए अदावत राखी युवक ने छरीना घा मारी हत्या निपजावी हती। છરીના હુમલો કરી અને તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડેલી અને એમના દીકરા પ્રિન્સને સારવાર દરમિયાનમાં સોલા હોસ્પિટલ ખાતે મોકલેલા, તે દરમિયાનમાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થયેલ છે। અને આ સાગર યતીનભાઈ પટેલ કે જેમણે આ ગુનાને અંજામ આપેલો છે તેના વિરુદ્ધ ગુનો રજીસ્ટર કરાવેલ છે, અને ગુનો રજીસ્ટર કરાવ્યા બાદ આ સાગરની ધરપકડ પણ સોલા પોલીસે કરેલ છે।